नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, ये 8 संकेत बताते हैं कि आप नहीं करते अपना सम्मान। जितना दूसरा का सम्मान जरूरी, उतना ही जरूरी अपना सम्मान करना भी है। कई बार हम ज्ञान नहीं पाते कि अपने सम्मान का क्या महत्व है। नहीं करते कुछ लोग अपना सम्मान, दूसरे लोग आपका सम्मान तभी करते हैं जब आप खुद का सम्मान करते हैं। ये बात आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन शायद ही कभी इस पर गंभीरता से सोचा हो। दरअसल हम कई बार जान ही नहीं पाते कि हम अपना सम्मान नहीं करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से 8 संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपना सम्मान नहीं करते। रोजमर्रा में कई अवसर ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति की जबान उसके ज्ञान आधार व्यवहार एवं व्यक्तित्व को दर्शाने का मुख्य माध्यम बन जाती है, लेकिन इसके उलट कई स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब आपकी बाणी परेशानी पैदा कर देती है। कुछ मौके जहां आपकी चुप्पी ही बेहतर, काम से ही इंसान की पहचान होती है। और रोजमर्रा में कई अवसर ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति की जुबान उसके ज्ञान आचार व्यवहार एवं व्यक्तित्व को दर्शाने का मुख्य माध्यम बन जाती है, लेकिन इसके उलट कई स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब आपकी वाणी सिर फुटावल की नौबत ला सकती है या किसी बनती बात को बिगाड़ सकती है। तो ऐसी स्थितियों पर आपकी चुप्पी ही बेहतर होती है। तो चलिए जाने ऐसी ही 8 स्थितियां जहाँ पर मुंह बंद रखना ही बेहतर होता है। जिंदगी में बेहतर उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, ऐसे में मानसिक रूप से मजबूत लोग ही जिंदगी के इन उतार चढ़ाव का सामना बहुत बहादुरी से करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग स्वस्थ आते रखते हैं। वह अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को नियंत्रित कर खुद को जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोगों के मन में व्यर्थ के विचार बिल्कुल भी नहीं आते। आइए जाने ऐसी कौन से विचारों की अनदेखी कर मजबूत लोग मुश्किलों का सामना भी बहुत हिम्मत से करते हैं। रात में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव, उन्नत तकनीक का असर हमारी दिनचर्या पर काफ़ी हद तक पड़ा है, और इसका सबसे अधिक नुकसान स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में देखा जा सकता है। रात में मोबाइल फोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम आदि का अधिक प्रयोग करने के कारण अनिद्रा और अस्वस्थता की समस्याएं बढ़ रही हैं। इनके कारण नींद पूरी नहीं हो रही है और हमारा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। थकान के कारण, पर्याप्त नींद ना लेने के कारण थकान महसूस करना बहुत ही आम बात है, लेकिन उस समय क्या किया जाए जब अच्छी नींद लेने के बावजूद भी आप थके हुए लगते हैं। हम अक्सर अपनी थकान के लिए तनाव और काम को दोषी ठहराते हैं, लेकिन एनर्जी की कमी के लिए सिर्फ यही कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जीवन शैली से जुड़ी कुछ निश्चित आदतें वास्तव में हमारी एनर्जी के स्तर को प्रभावित करती हैं। ये थकान के लिए ऐसी ही कुछ आश्चर्यजनक कारणों के बारे में जानें। बॉडी लैंग्वेज की भाषा, किताबें बहुत ही सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। ये गीत कुछ सुना सुना सा लगता है ना जी। हाँ, बाजीगर फिल्म का ये गीत चेहरे से मन का हाल बताने की बात करता है। आम तौर पर भी यही कहा जाता है कि चेहरा
आपकी सोच का आईना होता है और चेहरा ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी लैंग्वेज ही किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देती है। लेकिन किसी की बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यानी बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें। क्या है फूड फोबिया? डर की कोई परिभाषा नहीं होती। कोई किसी भी बात या परिस्थिति से डर सकता है, इसे ही फोबिया कहा जाता है। कुछ लोगों को छिपकली से डर लगता है तो कुछ को ऊंचाई या पानी से। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मछली, सब्जियों और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों से डर लगता है। जी हाँ, इस डर को फूड फोबिया के नाम से जाना जाता है। खाद्य फोबिया अजीब लग सकता है कुछ मामलों में, इसमें डॉक्टरी मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके लक्षण अन्य फोबियों की ही तरह चिंता, मतली और अनियमित दिल की धड़कन आदि ही है। तनाव और पाचन, अस्वस्थ जीवन शैली, खान पान में अनियमितता, भरपूर नींद न लेना आदि कई कारणों से पाचन क्रिया प्रभावित होना स्वाभाविक है। लेकिन शायद आप इस बात से अनजान हैं कि इन सबके साथ तनाव भी पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। अगर आप अधिक तनाव लेते हैं तो इसके कारण खाना पचने में समस्या हो सकती है और ब्लोटिंग, कब्ज, डायरिया, सीने में जलन, रिफ्लैक्स, गैस आदि पाचन संबंधी समस्याएं इसके कारण हो सकती हैं। डर या फोबिया, फोबिया का डर का एक खतरनाक स्तर है। फोबिया से डर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान इसे ख़त्म करने के लिए अपनी जान से भी खेल सकता है। व्यक्ति इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसका यह डर पूरी तरह से निर्मूल है, लेकिन उसे चाह कर भी दूर नहीं कर पाता। फोबिया में अपने डर की सोच भी व्यक्ति को इतना डरा देती है कि उस उत्तेजना से दिमाग और शरीर दोनों पर असर पड़ता है। कैसा होता है कि जेंटलमैन, क्या एक बलवान और सुंदर दिखने वाले पुरुष को एक जेंटलमैन अर्थात सज्जन पुरुष कहते हैं, या वो पुरुष सभ्य है जो बेहतरीन कपड़े पहनता है? लेकिन वास्तव में एक सज्जन पुरुष में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिनका पालन वह जीवन भर करता है। वे सज्जन पुरुष न केवल उनके बाहरी व्यक्तित्व को बल्कि उनके आंतरिक व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं। तो यदि किसी सज्जन पुरुष को पहचानना हो तो उनमें निम्नलिखित गुणों को तलाशा जा सकता है। अक्सर हमारे मन में किसी न किसी चीज़ का डर छिपा होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है तो कुछ लोगों को अंधेरे में, कोई भीड़ देखकर घबराता है तो कोई अकेलेपन से। हमें मालूम ही नहीं चलता कि कब मन में के भीतर छिपाइया इन डर फोबिया में बदल जाता है। हम अपने फोबिया में से इतना घबराते हैं कि इसे दूर करने के बजाय इससे बचने के उपाय खोजते रहते हैं। इसी तरह का एक फोबिया होता है जर्मोफोबिया। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।